हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। फरमाना क्षेत्र के गांव मौजम नगर व सिलाना में तीन तीन परिवार बाहरी क्षेत्र से आए थे, जिनमें कुल 27 सदस्य थे। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को इनका पता लगा तो डॉक्टर रवीश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 6 परिवारों को आगामी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया है। COVID-19 रैपिड एक्शन टीम फरमाना इंचार्ज डॉक्टर रवीश की मौजूदगी में टीम ने मौजम नगर व सिलाना के 6 परिवारों के 27 सदस्यों को होम क्वारंटीन किया है। खरखुदा के सिलाना में 3 परिवारों को होम क्वारंटीन किया है, जिसमें एक परिवार के 4 सदस्य, अन्य 2 परिवार के 7 सदस्य हैं, जिनमें 2 परिवार के सदस्य दिल्ली से आए थे, जबकि 1 परिवार के 4 सदस्य सोनीपत से आए थे। इन सभी 3 परिवारों के 11 सदस्यों को एहतियात के तौर पर होम क्वारंटीन किया है। इसके अलावा गांव मौजम नगर गांव के 3 परिवार, जिनमें कुल 16 सदस्य बाहर से आए थे, जिनमें एक परिवार के 5, दूसरे परिवार के 8, कुल मिलाकर 13 सदस्य दिल्ली से आए थे, जबकि तीसरे परिवार के 3 सदस्य पलवल जिले से आए थे। सभी 6 फैमिलीज के 27 सदस्यों को होम क्वारंटीन किया गया है ताकि गांव सुरक्षित रहे और वे खुद भी सुरक्षित रहें। डॉक्टर रवीश कुमार का कहना है कि बाहरी क्षेत्र से अपने घर आने वाले परिवारों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है, क्योंकि अब सोनीपत क्षेत्र में भी कोरोना की कई पॉजिटिव मामले मिले हैं, इसलिए सोनीपत से आने वालों को भी होम क्वारंटीन किया जा रहा है। होम क्वारंटीन तोड़कर बाहर आने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। देखिए, आज हमारी टीम ने सिलाना और मौजम नगर में 3-3 परिवारों को क्वारंटाइन किया है। उन परिवारों में से कुछ परिवार दिल्ली से आए थे, कुछ हाई रिस्क एरिया सोनीपत से आए थे, जिनको हमारी टीम ने जाकर आज क्वारंटाइन पर डाला। तो मौजम नगर में कितने सदस्य क्वारंटीन किए गए हैं? मौजम नगर में 3 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसके अंदर 16 सदस्य थे। उन 16 के 16 सदस्यों को क्वारंटाइन पर हमने डाल दिया। और सिलाना में? सिलाना में भी 3 परिवार थे, तीनों परिवारों को हमने क्वारंटाइन पर डाल दिया है, और तीनों परिवारों के 11 सदस्य थे, जिनको हमने आज कोरोना के क्वारंटाइन पर डाल दिया है अगले 14 दिन के। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9 PM न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद।